साहब, मैं हूँ प्रिया। मैं हूँ मैम और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रोसिस रिएक्शन पे। सो गाइज, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पृथ्वीराज ऑफिशियल ट्रेलर पे, और इसमें अक्षय कुमार सर, संजय दत्त, सोनू सूद और मानुषी चिल्लर मैम। तो पहले सबसे पहले हम ये ट्रेलर देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिश्ते से नहीं, योग्यता से चुना जाता है, शौर्य के लिए, वीरता के लिए और न्याय के लिए। पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया जाता है। एक राजकुमारी ने एक राजकुमार की वीरता की कहानियाँ सुन सुनकर सपने बुन लिए थे कि एक दिन घोड़े पर वो राजकुमार आएगा और उसे ले जाएगा। मेरे नाम का तीर और मुझ पर ही चला है। इश्क का यह दाग मैंने दिल पर नहीं, माथे पर लगा लिया है। अब विधाता भी इसे नहीं मिटा पाएगा। कोई पृथ्वी को चुनौती दे, मेरे हाथों भरेगा ये प्रण लेगा। पृथ्वी चंद भट्ट, लोग मुझे चंद्रवरदाई भी कहते हैं। वाल्मीकि है तो श्री राम है, चंद है तो पृथ्वीराज चौहान है। क्या बात है, खान कहाँ है कभी का? संकट पर सुल्तान मोहम्मद कोई दिल्ली। सुल्तान से कहना कि अगर वे युद्ध चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। ना वे सपने सलामत रहेंगे, ना वे आंखें, जो हिंदुस्तान की ओर उठेगी। आपका उससे क्या रिश्ता? जो रिश्ता गंगा और पवित्रता का है, जो रिश्ता पानी और प्यास का है, जो रिश्ता सांस और जीवन का है। विजयी अगर जिंदगी चाहते हैं सम्राट, तो दिल्ली सुल्तान के हवाले करें। अपनी जिंदगी के बदले में मैं सुल्तान को अपने वतन की मुट्ठी भर मिट्टी भी ना दूं। धर्म के लिए जिया हूँ, धर्म के लिए मरूंगा। सो गाइस, ये था पृथ्वीराज का ऑफिशियल ट्रेलर। और टीजर तो कब का आ गया था, लेकिन ट्रेलर मतलब आने में काफी टाइम लगे, लेकिन फाइनली आज ये ट्रेलर लॉन्च हो गए। और पृथ्वीराज में मतलब इस ट्रेलर में जितने भी सीन दिखाए गए एकदम तगड़े फुल ऑन एक्शन, और जो VFX का यूज किया गया इस पूरी मूवी में बहुत ही अच्छा। और जो लीड एक्ट्रेस है, इतने मतलब बड़े बड़े एक्टर इसमें, संजय दत्त, अक्षय कुमार, सोनू सूद, तो काफी एक मतलब तगड़ी मूवी होने वाली है। बाकी स्टोरी तो सबको पता ही है, पृथ्वीराज चौहान की, पृथ्वीराज चौहान को कौन नहीं जानता। इसको बड़े पर्दे पे देखना सबके लिए ट्रीट रहेगा। हाँ। उनकी पूरी स्टोरी को देखना तो काफी मजा आने वाला है। ट्रेलर देख के ऐसे लग रहा है कि सबने जस्टिस किया है अपने अपने कैरेक्टर के साथ। जो ट्रेलर और जो मोहम्मद गोरी के रोल में दिखाया है उनको भी काफी खतरनाक लग रहे हैं। और पृथ्वीराज चौहान के लुक में तो अक्षय कुमार, युद्ध वाला सेट और सब, इतने बड़े बड़े सेट है, इतने बड़े बड़े वो महल होते थे पहले राजाओं के, वो सारा इतना अच्छा दिखाया ना इन लोगों ने। और जो लव भी दिखाया है इनको, मतलब लव के सीन लव स्टोरी भी दिखाई गई है, तो वो भी काफी अच्छी लग रही है। मानुषी चिल्लर मैम की ये फर्स्ट मूवी है और उनका काम अभी तक ट्रेलर में अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो एक्टिंग लाइन से है नहीं, तो ये उनकी पहली मूवी है, ये भी अच्छे लग रहे हैं। और सोनू सूद भी चंद्रवरदाई की भूमिका में एकदम फिट, मतलब ऐसा लग रहा है कि फिट बैठ रहे हैं।
तो अब ये मूवी देखने लायक होगी बड़े पर्दे पे, पृथ्वीराज चौहान मतलब सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बैकग्राउंड म्यूजिक उसे भी हम उसे हम मतलब साइड में नहीं कर सकते, क्योंकि इतना अच्छा जो लास्ट युद्ध के सीन में जो दिखा रहे थे ना, और डायलॉग्स तो इतने दमदार थे ना सच में, मतलब सम्राट पृथ्वीराज चौहान पे एक मूवी और इस तरह का ट्रेलर उसका, मतलब सीरियसली जो जितना वेट था वो वर्दी था इसके लिए तो। और अब आगे बहुत जल्दी मतलब मूवी आने वाली है, सामने वाली है, ये भी देखने लायक रहेगा। और वैसे तमिल और तेलुगु में भी आएगी ये मूवी जल्दी। हाँ, ट्रेलर भी आया है तमिल और तेलुगु में, तो हम तो काफी ज्यादा एक्साइटेड है मूवी देखने के लिए भी, स्पेशली क्योंकि ये हमारे फ्रीडम फाइटर की मूवी है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूवी है, हमारे राजा सम्राट पृथ्वीराज, और उनको बड़े पर्दे पर देखना बड़ा मजा आएगा। काफी मैं तो एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने। बाकी ट्रेलर मुझे काफी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना और अपना सपोर्ट ऐसे इस चैनल पे बनाए रखना। जो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।